गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हम लोगों ने साइंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का रिवीजन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रिवीजन किया था, उसे क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में का रिवीजन करेंगे, ठीक है। जो आपकी एक्सरसाइज है चैप्टर सेकंड की, उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए सारे बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करिए जिसके पास है, और जिसके पास बुक नहीं है तो वो अपनी कॉपी ओपन करिए जहां पर मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, नेम टू फूड्स ईच डिजिट, यानी कि आपको दो फूड्स की नेम लिखनी है जो पाए जाते हैं, किनमें पाए जाते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी कि ऐसे आपको दो फूड के नेम लिखने हैं जो इनमें जिनमें ये पाया जाता है। अब क्या पाया जाता है ये आपके क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फैट, ठीक है। इसी फर्स्ट दिया हुआ इसी का ए नंबर फैट। अब आपको ये बताना है ऐसे दो फूड्स के नेम बताने जिसमें फैट पाया जाता है, ठीक है। तो क्लास मैंने आपको बताया था कि जो फैट होता है वो हमारे ऑयली चीजों में पाया जाता है। जितने भी ऑयली फूड्स होते हैं, ऑयली आपके जैसे सीड होते हैं, इनमें पाया जाता है। जैसे एलमंड हो गया, ठीक है, बादाम जिसको हम बोलते हैं, इसमें फैट पाया जाता है, ठीक है। आपकी मूंगफली हो गया, ग्राउंडनट, उसमें फैट पाया जाता है। नारियल हो गया, इन सब में आपका फैट होता है जिससे ऑयल निकलता है, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें घी बटर आ जाता है, ठीक है। ये भी दो लिख सकते हैं, घी में भी होता है आपका फैट, बटर में भी होता है, तो कोई भी दो लिख सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखवा रही हूँ आप वही लिखिए। हो सकता है आपको उस टाइम भी जो मैंने लिखवाया वो ना याद हो, तो दूसरे अगर एग्जाम्पल याद है तो आप दूसरे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट वो सही होनी चाहिए, क्लियर। अब देखिए बेटा, ये आपका होता है फैट जो होता है आपका, बटर भी पाया जाता है, बटर, और सेकेंड आप यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं और ग्राउंड नट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड, ठीक है, यानी कि आपके दो चीजों में फैट पाया जाता है। बी है आपका नेक्स्ट स्टार्च। क्या है स्टार्च, किसमें पाया जाता है बेटा? जो स्टार्च होता है वो मीठा होता है, मतलब खाने में जो मीठापन होता है वो किन दो फूड में पाया जाता है? तो आपको पता है आप राइस खाते हो चावल, तो हल्का सा वो मीठा लगता है ना, यानी कि चावल में पाया जाता है, राइस में भी होता है, पोटैटो में होता है, आलू में भी स्टार्च होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, ठीक है। तो आप कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए राइस एंड पोटैटो, ये आपके दो एग्जाम्पल, ठीक है। सीईसी का थर्ड पार्ट है, उसमें दिया हुआ है डाइट्री फाइबर। डाइट्री फाइबर्स किसमें पाए जाते हैं बेटा? डाइट्री फाइबर जो होते हैं वो आहार, इसको हिंदी में बोलते हैं आहार रेशे, ठीक है। जो आहार रेशे होते हैं ये आपके फ्रेश फूड में पाए जाते हैं, और जितने भी आपके होल जो आपके बीज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रेश फूड फ्रूट, यहाँ पे लिख सकते हैं होल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और फ्रेश बॉडी। मीन्स क्या राइस में ही हमें सारे, केवल राइस खाकर ही हम अपने
बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स राइस में पाए जाते हैं। सिर्फ हम राइस खा के बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है पूरी हो जाती है। बताइए, आप लोग बताइए कि राइस खा के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे? नहीं, सिर्फ राइस खा के हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। राइस से हमें स्टार्च मिलेगा, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और बाकी न्यूट्रिएंट्स हमें विटामिन प्रोटीन ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसमें आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। जो डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, क्या वो एक बैलेंस डाइट में होती है? जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं, संपूर्ण आहार लेते हैं, इसको संतुलित आहार बोलते हैं, क्या उससे बीमारियों में लड़ने की क्षमता होती है? यस, इट इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बैलेंस डाइट होता है, संपूर्ण आहार होता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से विटामिन भी होता है। विटामिन का क्या वर्क होता है कि वो हमारी बॉडी को जो डिजीज होती है उससे बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। जो बैलेंस डाइट होती है ये अलग अलग फूड आइटम्स में होता है। वैरायटी ऑफ फूड आइटम, यस, जो बैलेंस डाइट होता है, तो एक फूड से हम बैलेंस डाइट नहीं बोल सकते। ठीक है, एक फूड में सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, हमें अलग अलग वैरायटी के फूड लेने चाहिए। ठीक है, हमें फ्रूट्स भी लेने चाहिए, ठीक है, हमें ग्रेन्स भी लेने चाहिए, हमें वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स भी लेने चाहिए। ठीक है, शीट, स्प्राउटेड शीट भी लेने चाहिए, हमें मिल्क भी लेना चाहिए, मतलब अलग अलग वैरायटी के हमें फूड लेने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी फूड आइटम्स। ठीक है, मीट अलोंग विद सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स थ्रू द बॉडी। जो मीट होता है, क्या वो हमारी बॉडी को ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है? यस, बेटा फिश में, मीट में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आपका उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे मीट में पाए जाते हैं, तो इसका होगा यस। एंड नेक्स्ट है आपका फिनी ब्लैंक्स। ठीक है, फिनी ब्लैंक्स है, फर्स्ट आपका फिनी ब्लैंक्स है, डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। आपको ये बताना है कि विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी डिसीज होती है, कौन सी डिफिशियंसी होती है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि विटामिन ए से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो आप लोग प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, और ये हमेशा इसका एक नया क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज नोन एज द बेरी बेरी। जो बेरी बेरी डिफिशियंसी होती है, ये किस विटामिन की कमी से होती है? ठीक है, किस विटामिन की कमी से, जो हमें बेरी बेरी होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जो बेरी बेरी नाम का एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, विटामिन बी की कमी से होती है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी की कमी से। ठीक है, और बी के भी बेटा कई सारे पार्ट्स है, B1, B2, B3, B6, B12, इस तरह से। तो जब आप आगे आप हाई क्लास में जाओगे, तो वहां पे विटामिन बी के आपके पार्ट्स पढ़ोगे, विटामिन B1, B2। तो जो बेरी बेरी होता है वो एक्चुअल में विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, यानी विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें हमें क्या होता है कि हमारे बहुत कम एज में जो हेयर होते हैं वो व्हाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से, और हेयर हो जाते हैं, व्हाइट होने लगते हैं, किसी के झड़ने लगते हैं, ये सारे होते हैं लक्षण इसके। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉज द डिजीज नोन एज। जो विटामिन सी की कमी से जो आपकी डिफिशियंसी होती है वो किसके नाम से जानी जाती है? तो आप लोगों को पता है विटामिन सी की कमी से जो डिफिशियंसी होती है, डिजीज होती है, उसको हम स्कर्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कर्वी। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी होती है। एंड लास्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश इन अवर फूड। जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो किसकी कमी से होता है? हमारी बॉडी में कौन से ऐसे विटामिन्स नहीं होती है जिसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसमें क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखता, आपको दिन में पूरा पूरा दिखता है, लेकिन जैसे आपका सनसेट होता है उसके बाद से आपको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, बहुत हल्का दिखता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं दिखता है। ये जो होता है, ये डिसीज हमें विटामिन ए की कमी से होती है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई तो फिर हमें क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो बेटा आज हम चैप्टर सेकंड का पूरा रिवीजन कर चुके हैं, आज से आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको चैप्टर थर्ड का एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है,
चैप्टर थर्ड तो कल मैं एक्सप्लेन करूंगी सारे बच्चों को, चैप्टर सेकंड के सारे क्वेश्चन आंसर, फिर दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब आपको लर्न करना है, ठीक है? सारे बच्चों को लर्न करना है, समझ में आया? तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग चैप्टर थर्ड एक्सप्लेन करेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, अभी परचेस नहीं किया, वो सारे बच्चे बुक्स ले लो बेटा। अगर आप लोग बुक्स नहीं